जा रहा है। इस मेले में लाखों की संख्या में लोग आते हैं। इस मेले को अच्छी तरह से सुरक्षित लोगों के लिए रहे, इसके लिए हम पूरे मेले को 5 सेक्टर्स में बांटा हुआ है। जैसे सेक्टर 1 चंबा घाट से देवघाट, सेक्टर नंबर 2 ठोडो मैदान, सेक्टर नंबर 3 ओल्ड डीसी ऑफिस चौक कोटला नाला सामटी बाईपास, सेक्टर नंबर 4 कोटला नाला लक्कड़ बाजार अपर बाजार सलोनी टेंपल आरएच रोड एंड गंज बाजार, और सेक्टर 5 सप्रून टू चंबा घाट। इन सेक्टर्स में हमने लगभग 540 पुलिस व होमगार्ड के जवान डिप्लॉय किए हैं। साथ ही इन सेक्टर्स में हमने 9 गजेटेड ऑफिसर्स को भी डिप्लॉय किया हुआ है। इसके अलावा हमने 4 जगह नाका लगाए हुए हैं, जैसे देवभूमि अपार्टमेंट के नज़दीक सामटी, अंबुशा रिजॉर्ट दोहरी दीवार टी पॉइंट के पास और शांति बाईपास। इन नाकास को लगाने का हमारा मेन मकसद यह है कि लोग बाज़ार में गाड़ियां ना ला सकें और टाइमली हम उनको डाइवर्ट कर सकें, ताकि लोग अननेसेसरी परेशानी से बचें। इसके अलावा हमने ड्रोन सर्विलांस टीम को लगाया हुआ है, ताकि हम क्राउड को चेक कर सकें या ट्रैफिक को भी चेक कर सकें। और इसके अलावा हमने क्विक रिएक्शन टीम्स की 2 टीमें लगाई हुई है। ये टीमें हमारी जैसे स्नैचिंग्स की घटनाएं होती है, उन घटनाओं को रोकने के लिए हमने इन टीम्स को लगाया। इसमें लगभग 30 से 35 आदमियों को हमने सिविल ड्रेस व यूनिफॉर्म्स में लगाया हुआ है, ये स्पेशली इसी घटना को देखेगी। इसके अलावा चाइल्ड मिसिंग हेल्पलाइन डेस्क हमने इस्टेब्लिश किया हुआ है। यह डेस्क ठोडो ग्राउंड में रहेगा, इसके लिए राउंड द क्लॉक हमने पुलिस डिप्लॉय की हुई है। इसके अतिरिक्त हमारा नाइट पेट्रोलिंग शहर में, क्योंकि लोगों की काफ़ी भीड़ रहती है, तो हमने राउंड द क्लॉक नाइट पेट्रोलिंग भी रखी हुई है। केसर इन एरियाज में काफ़ी दिक्कतें आती है, जैसे रात को 11 बजे से सुबह 10 बजे तक हमारा ट्रैफिक इन एरियाज में थ्रू रहेगा। तो जो भी सामान लोग बोर्डिंग या डीबोर्डिंग करते हैं, उसके लिए अव्यवस्था ना फैले, इसके लिए हमने इन जवानों को लगाया, ताकि ये लोग व्यवस्था रखें व कोई भी रोड ब्लॉकेज ना हो। इसके अतिरिक्त हमने सिटी चौकी से जीवना जी रोड, इसको हमने इमरजेंसी व्हीकल्स के लिए खुला रखा हुआ है। इसमें हमने काफ़ी डिप्लॉयमेंट किया है, ताकि इमरजेंसी व्हीकल में कोई एम्बुलेंस या फायर की गाड़ी जल्दी अगर हमने निकालनी है तो इस रोड को हम यूज कर सकते हैं। बाकी बीच से भी हम इमरजेंसी व्हीकल्स को यूज कर सकते हैं, लेकिन क्राउड की वजह से वहाँ काफ़ी दिक्कतें आने की संभावना रहती है। इसके अलावा हमने विगत वर्ष की अपेक्षा इस बार डिप्लॉयमेंट को हमने काफ़ी ज़्यादा लगाया हुआ है, लगभग 100 के लगभग हमने जवान एक्स्ट्रा दिए हुए हैं। साथ में हमने पेट्रोलिंग, बाइक पेट्रोलिंग को काफ़ी सुदृढ़ किया, इसके लिए हमने 8 टीमें स्पेशली डिप्लॉय की है, ताकि जगह जगह ये लोगों को असिस्ट करे और ट्रैफिक जाम ना होने दे। हमारा यही लोगों से भी अपील है कि वो पुलिस कर्मियों का सहयोग करें, जहाँ जहाँ दिक्कत आती है वहाँ वहाँ वो इन्फॉर्मेशन पुलिस कर्मचारी को दे, तथा अपने सामान व अपने जो भी बच्चे हैं उनको आप अपने साथ सुरक्षित रखें। सर, जो प्रवासी बाहर से आए हैं और जो कहीं भी बैठ रहे हैं शहर में,
उनके लिए आपने क्या व्यवस्था की है? जो भी प्रवासी बाहर से आ रहे हैं उनके लिए हमने एक तो रजिस्ट्रेशन का वो रखा है, इसके लिए हमने 120 से 25 लोगों को हमने पिछले तीन चार दिनों में रजिस्टर किया हुआ है, और जिन जिन लोगों के पास कोई आई कार्ड या कोई आधार कार्ड नहीं उनको हम वापस भेज रहे हैं। सर पिछली बार देखा गया जहाँ पुरानी कचहरी है और जहाँ पर सुनी माता का जो गोदी है उसको रिसीव किया जाता है, वहाँ पर पिछली बार तो भगदड़ की स्थिति पैदा हुई थी, नहीं वहाँ पर इस बार कैसी व्यवस्था रहेगी? इस बार वहाँ के लिए हमने स्पेशल व्यवस्था की है, वहाँ के लिए हमने 50 के लगभग लोगों को लगाया हुआ है और वहाँ प्रॉपर बैरिकेडिंग की जा रही है और उसमें एग्जिट एंड एंट्री को सेपरेट किया हुआ है। सर अगर देखा जाता है कि जैसे माता की डोली चलती है तो उसके साथ पुलिस बल भी साथ चलता है, लोगों को भक्तजनों को सर दर्शन करने में बड़ी दिक्कत परेशानी आती है, वो एक चेन जैसी बना लेते हैं और मतलब अगर कोई माथा टेकने जाता है तो उसको फट उठा के परली साइड को जैसे नहीं, इस चीज के लिए हम देखेंगे जो भी भक्तजन माता के दर्शन के लिए आएंगे उनको पूरी व्यवस्था और पूरे तरीके से उनको दर्शन करवाए जाएंगे। हाँ बीच में एक जो बाजार का एरिया गली में वहाँ दिक्कत आती है, वहाँ लोग जो है दर्शन के लिए जो है अपने खुले स्थान को ही चुने, जहाँ जहाँ जैसे ओल्ड बस स्टैंड एंड जो मंदिर के साथ पार्किंग है उसी को वो यूज कर रहे हैं। उसके लिए इस बार हमने स्पेशल टीम को 50 आदमियों का एक हमने एक टीम बनाई हुई है, वो डिफरेंट लोकेशंस पे रहेंगी और हम जो है सीसीटीवी कैमराज 50 और किया इस बार 150 सीसीटीवी कैमरा से हम अपने कंट्रोल रूम से भी वॉच करेंगे। इसके अलावा हमने ड्रोन्स को भी 2 ड्रोन्स लगाए हुए हैं और बाकी जो हमारा इंटेलिजेंस विंग है उसको भी हमने एक्टिवेट किया। स्पेशल सेल कितने होंगे इस बार? कैसे जैसे बच्चों के लिए? बच्चों के स्पेशल सेल एक तो हमारा कंट्रोल रूम ठोडो ग्राउंड में होगा, एक हमारा जो विमेन पुलिस स्टेशन है ओल्ड डीसी ऑफिस वहां होगा। सर अपने सीसीटीवी कैमरा शहर में चल भी रहे हैं कि? आप 150 के लगभग हमारे कैमराज एक्टिवेट है, वहाँ आप कंट्रोल रूम में जाके चेक कर सकते हैं, वो हमने कल और परसों पिछले जो है इसका सर्वे किया और हमारी टीम्स जो है जो जो खराब कैमरे उनमें लगी हुई है। नहीं नहीं, तो सर आप सीसीटीवी और के साथ कवर करेंगे जो गलियां हैं वो कैसे कवर करेंगे? गलियों में भी जो है सीसीटीवी कैमराज है, लोगों ने काफी लोगों ने कैमराज लगाए, कम से कम हमारे 2.5 से 3 हजार कैमरा जो एक्टिवेट है। सभी एरियाज में वर्किंग है, कुछ एरिया में जैसे बीच बाजार के एरियाज में कुछ एक कैमराज वर्किंग में नहीं है, वहाँ हमारी टीम ने पिछले कल और आज जो है लगा रहे हैं। सर बाहरी राज्यों से भी लोग जो है मेला देखने के लिए आते हैं, उनकी गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था कहाँ कहाँ की गई है और सर किस तरह से रहेगी? सर उनकी गाड़ी की पार्किंग जो हमारा NH का एक लेन है उसको हम यूज करें। पूरी से राजगढ़ से लोग आ रहे हैं? राजगढ़ से लोग शांति बाईपास एरिया से वो करेंगे। ठीक है, थैंक यू।